महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की नई व्यवस्था के तहत अब महीने के पहले और तीसरे शनिवार को लाइसेंस बनाने की सुविधा रहेगी। इसके तहत पहले की तरह ही नागौर के जिला परिवहन कार्यालय में लाइसेंस शाखा खुलेगी। इससे पहले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण ये काम स्थगित कर दिया गया था। पहले महिलाओं को इससे परेशानी होती थी और अभी इन्होंने शनिवार के दिन लाइसेंस बनाने का कर दिया है। इससे महिलाओं को बहुत ही फायदा भी है और वो आराम से अपना आके यहाँ पे लाइसेंस बना सकती है। गौरतलब है कि परिवहन आयुक्त व प्रमुख शासन सचिव ने पिछले साल 24 दिसंबर को आदेश जारी कर लाइसेंस प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत महिलाओं के लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस बनाने के लिए लाइसेंस शाखा खुली रहेगी। इस दिन कोई भी एजेंट कार्यालय परिसर में मौजूद नहीं रहेगा, यहाँ तक कि आवेदन से लेकर लाइसेंस की अन्य प्रक्रिया में विभाग के कर्मचारी ही महिला आवेदकों की मदद करेंगे। अभी स्थगित किए जाते हैं और लेकिन अब नई सरकार आने के बाद में हेड ऑफिस से लेटर आया है, कोई महिलाओं के लिए फर्स्ट और थर्ड वीक के अंदर लाइसेंस बनाए जाएंगे और इसके लिए फॉर्म की व्यवस्था सब यहीं से होगी और फॉर्म भरने की के लिए किसी एजेंट या उसको अलाउ नहीं किया जाएगा और फॉर्म भरने की के लिए हम खुद सहयोग करेंगे। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था भी की जाएगी। राजस्थान पत्रिका.com के लिए नागौर से धर्मेंद्र गौड़ की रिपोर्ट।